उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए एक न्यू अनबॉक्सिंग लेके आया है, ये MI का LED बल्ब। इसका मैंने पोल किया था इंस्टाग्राम के ऊपर कि क्या मैं इसकी अनबॉक्सिंग लेके आऊं कि ना लेके आऊं, तो मैक्सिमम लोगों ने यस श्योर पे क्लिक किया। आप भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हर अनबॉक्सिंग किया पोल पहले इंस्टा पे होता है फिर वो यूट्यूब पे आता है। इंस्टा आईडी मेरी टेकी कॉन्वो, जाके चेक जरूर करना। तो चलो फिर करते हैं हम ये अनबॉक्सिंग स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये हमारे आज का हथियार, एक अलग से नाइफ खरीदना पड़ेगा ना अनबॉक्सिंग के लिए, तो इसको हम जल्दी से खोलते हैं। आज मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं घर पे था नहीं और वो नीचे खड़ा था वो इंसान, उसका मेरे को फोन है, मैं फटाफट आया। तो अब हम इसको हमने खोला, ये कुछ ये बिल दिया हुआ है यहाँ पे अलग से, और अब हम अगर देखे ये रहा हमारा ये बल्ब, छोटे से बॉक्स में है, ज्यादा बड़े बॉक्स में है नहीं, बिल्कुल छोटा सा बॉक्स है। तो अब हम जल्दी से इसकी अब हम ये वाली इसकी सील खोलते टक करके। तो ये अब हम इसकी सील खोलते हैं, ये खुल जा। ओके, तो ये इसकी ये सील खुल गई है। अब हम अपना बल्ब निकालते हैं, इसको अब हम इस वीडियो में ट्राई भी करने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस में जो लिखा है आपको MI होम की मतलब मी होम की आपको ऐप डाउनलोड करनी है। आप इसके अपने ऑटोमेटिकली कलर्स वगैरह सब कुछ आप इसके एडजस्ट कर सकते हो, करेंगे इस वीडियो में सब कुछ ट्राई करेंगे। तो ये अंदर वाओ पैकिंग, तो ऐसी इतनी प्रोटेक्टिव पैकिंग आप देख पा रहे हो। ये सबसे पहले इधर ये कुछ मैनुअल गाइड है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह कैसे कनेक्ट करना है, तो इसको हम रखते हैं अभी साइड में। और ये रहा हमारा ये बल्ब, मतलब प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन इतनी की हुई है। अभी ये इस प्लास्टिक से निकलेगा, तो जल्दी से इसको निकालते। और ये रहा ये बल्ब, काफी हैवी है, काफी हैवी है यार। अब हम जल्दी से मैं इसको अपने रूम में लगाऊंगा, इंस्टॉल करूंगा ऐसे। तो इसका एक और चीज, इसका जो ये वाला पोर्शन है ना जो B2B होता है वो है, मतलब जो चूड़ी वाला, हमारी इंडियन भाषा की इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चूड़ी बल्ब है। तो इसके लिए आपको एक चूड़ी वाला सॉकेट या आपको L2B करके आपको एक अलग से सॉकेट परचेज करना पड़ेगा, उसमें ही लगेगा। मेरे पास है अभी, मैं प्रॉपर सेटअप बाद में कराऊंगा, वीडियो के लिए आप लोगों को एक टेम्पररी सेटअप करके ये बल्ब अभी मैं आपको चेक करवा देता। तो मैं पूरा का पूरा ये पोर्शन ही निकाल रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को चेक करवाने के लिए। इसको रखते हैं हम यहां पे, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो MI का बल्ब हो गया है। वाओ, मेरे बिल्कुल सामने MI का लोगो भी आ रहा है यहां पे, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो आपको इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को जाना है प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाते ही आपको यहां पे लिखना है मी होम लिखना है, और सबसे पहले शोमी होम के नाम की ऐप आएगी, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे स्मार्टफोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मेरे को इंस्टॉल नहीं करनी है। अब जल्दी से आप लोगों को अपने मी होम की ऐप को खोलना है, और जैसे इसको आप खोलोगे आपको इसको एग्री करना है और पूरी की पूरी ऐप सेटअप करनी है। आपको आपकी कंट्री ऑलरेडी रिकमेंडेड कर देगा, जैसे मेरे को इसने इंडिया कर दिया है। अब क्या करना है, अब मेरे को ये सारे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा, और मैं ये सब अलाउ कर दूंगा। जल्दी से अपने डिवाइस में अब मैं साइन इन कर लूंगा। अब जैसे ही मैं इसमें अपने डिवाइस में साइन इन करूंगा, सब कुछ एग्री वगैरह वगैरह करने के बाद आपको आपकी मी होम की ऐप पे एक ऐड डिवाइस का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, टर्न ऑन नाउ करना है। अब यहाँ पे जो सारे डिवाइसेज है वो आ रहे होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर मेरा आ गया स्कैनिंग फॉर नियर बाय डिवाइसेज, तो मैं जल्दी से इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और हमें ऑपरेशन कंफर्म नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो उसने मेरा डिवाइस ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि मेरा नियर बाय डिवाइस मेरा ये बल्ब है। अब जल्दी से मेरे को यहाँ पे मेरा वाईफाई जो है उसका मेरे को यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो जल्दी से मेरे वाईफाई का यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो इसको मैं ओके पे क्लिक करूंगा, जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ये डिवाइस को कनेक्ट करेगा, सेंडिंग मैसेज टू द डिवाइस, डिवाइस को मैसेज सेंड हो गया है, कनेक्टिंग डिवाइस टू नेटवर्क। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरा वाईफाई भी अभी थोड़ा सा हल्का सा स्लो ही चल रहा है,
ओके, ये सब हो गया। तो ये सब हो गया, आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर आप अपना नेम क्रिएट कर सकते हो, आपके क्या वाईफाई का नेम है। तो मैं जल्दी से बेडरूम के ऊपर क्लिक कर देता हूं, लाइट बल्ब आ गया है, जल्दी नेक्स्ट। और ये हमारा बल्ब हो गया है कनेक्ट। आपको अब जल्दी से लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये सारे कुछ कलर्स है, आपको किस तरह का कलर चाहिए आप यहां से चूज कर सकते हो। तो क्योंकि अभी ये फ्लो पे है इसीलिए कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, पर जैसे इसको मैं कलर पे ले जाऊंगा, इसने बाय डिफॉल्ट रेड कलर कर दिया है। और मैं अभी ये ब्राइटनेस एडजस्ट कर रहा हूँ अपने स्मार्टफोन से, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो ये ब्राइटनेस फुल है, ये ब्राइटनेस बिल्कुल लो है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, टोटली व्हाइट कलर हो गया। अब अगर आप लोगों को कलर चेंज करने हैं तो आपको नीचे, अभी मैं गया था नीचे, जो फेवरेट्स का जो ऑप्शन आ रहा है आपको उस ऑप्शन के ऊपर जाना है। और यहाँ पर आपको कुछ थीम्स दिखाएगा, जैसे कि अगर आप सनराइज के ऊपर क्लिक करोगे 15 मिनट के बाद ये लाइट को अपने आप ब्राइट कर देगा, क्योंकि 15 मिनट लगते हैं सन को राइज होने में। सनसेट के ऊपर क्लिक करोगे 10 मिनट के बाद लाइट को अपने आप बंद कर देगा ये। यहाँ पर आप मूवी के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ब्लूइश माहौल आ जाएगा, ब्लू कलर का कुछ माहौल आ जाएगा। यहाँ पे बर्थडे, डेट नाइट, बहुत तरह के ऑप्शन है। अगर आप कैंडल फ्लिकर के ऊपर क्लिक करोगे ये देखना भी लाइट, जैसे कि आप कैमरे में देख पा रहे हो, लाइट हल्की सी ब्लिंक कर रही है। और अगर आप फ्लैश नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे, जो कि इसकी एक और थीम है, ये देखो लाइट, एक जोर से एक लाइट आपको ब्लिंक देगी।